सेंटीमीटर ठीक है, 4 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द साइडेड फोसा इज, वन इज एक्सटर्नल एंगल एंड अदर इज इंटरनल एंगल, इंटरनल रेक्टेंगल और साइडेड पार्ट से दोनों रेक्टेंगल के बीच में, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ओके, तो कैसे आप लोग निकालिएगा इसको? कैसे आप लोग निकालिएगा? सबसे पहले हम लोग एरिया कैसे निकालते, कोई बनाइए तो थोड़ा बना करके दिखाइए। हाँ राइट है अर्पित, अर्पित का राइट, ऋषि राज का राइट, ठीक है। एवरी वन पर मैसेज मत कीजिए, कल भी आपको बोले थे एवरी वन पर मैसेज में डायरेक्ट मैसेज कीजिए, और जिसका एवरी वन पर आएगा उसका हम मैसेज नहीं पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, तन्मय राइट और आर्यन राइट, फिर आपका ऋषि राज राइट, ठीक है, तन्मय, सौम्या कुमारी राइट, ठीक है, श्रेया कुमारी राइट, ठीक है, सबका आंसर सही है, लेकिन आप लोग सिर्फ आंसर सेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख करके नहीं, उसको सॉल्व करके नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ आंसर। देखिए हम लोग को एरिया ऑफ डी, हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माइनस एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, ठीक है, एक्सटर्नल एरिया, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल एरिया? एक्सटर्नल एरिया इज 9 सेंटीमीटर इनटू 9 सेंटीमीटर इनटू 8 सेंटीमीटर माइनस इंटरनल रेक्टेंगल का लेंथ अंदर में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर में ओके, ठीक है, इसका तो जाएगा 72 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका टू। सर कोड नहीं दिख रहा अच्छी तरह से, नहीं दिख रहा है ना सर, ये सब झूठ बोल रहा है सर, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है सर, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। नो सर सर झूठ बोल रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है तो आज का नो सर अच्छी तरह से दिख रहा है। चलिए ठीक है, किसी को चलिए ठीक है, बनाइए बनाइए, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा सर, ठीक है, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट, इक्वल एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, अब आपका जो है एरिया का भी रिवीजन कंप्लीट होते जा रहा है। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, नो सर, सर बोर्ड बहुत दूर है, सर बोर्ड धुंधला दिख रहा है, सुनी ना,
धुंधला दिख रहा। चलिए अब दिखाई दे रहा है, दे रहा दिखाई। यस सर, यस सर, यस सर। दिखाई दे रहा है नीचे का नहीं, नीचे यहीं तक लास्ट है, यहीं बोर्ड यहीं तक है, बोर्ड छोटा है, बोर्ड जो है स्मॉल है, इसलिए आप यहीं तक है लास्ट पूरा बोर्ड। चलिए हो गया आप लोग का, सब लोग no, लिखिए। यस सर, यस सर, हो गया। वेरी गुड सर, हो गया। नो सर, जरा सा बचा हुआ है। अरे ठीक है, ऊपर वाला लगा दे। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया, हो गया सर, हो गया सर। आप सारा इरेज कर दो, सवाल दे रहे हैं अभी इसे बनाने के लिए, इस बार आप लोगों को अपने से बनाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू है। सर नहीं दिख रहा है बोर्ड, नहीं दिख रहा है ना। चलिए एक मिनट रुक जाइए, नहीं दिख रहा उसका उपाय करते हैं। दिखाई देना चाहिए एरिया है हम लोग को। एक मिनट, चलिए आप दिखाई देगा। यस सर, इस पर दिखाई देना चाहिए आपको। यस सर, देख रहा है। सर कितना पेज नंबर का बनवा रहे हैं? एरिया का बना रहे हैं, बीटी का एरिया का, बीटी का है। क्वेश्चन नंबर टू है, ए सर। यस सर, हम लोग को ब्लैक वाले पर ही दिख रहा था, व्हाइट वाले पर अच्छा से नहीं दिख रहा। व्हाइट पर नहीं दिख रहा है सर? नो सर, सर ब्लैक वाले पर ही लिखिए। सर ब्लैक वाले पर ही लिखिए। यस सर, ब्लैक वाले पर ही लिखिए। ओके सर, ब्लैक वाले पे दिख रहा था। यस सर, ब्लैक वाले पर लिखिए। चलिए ठीक है, इसी को लिखते हैं। चलिए लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, दिख रहा है। यस सर, भाई उन्हें चीजी के मां हुई पूरा बार बोल रहा हूँ। हाँ देखा, हाँ हाँ हमने सर। यस, आप टू बी के बाद क्या लिखे हैं? ए स्क्वायर पार्क इज टू बी वाटर, वाटर ए टी आर ई बी। गिव वन साइड ऑफ द पार्क इज 5 मीटर, फाइंड द एरिया टू बी वाटर, टू बी वाटर। ठीक है, लोग को तो क्या आगे देख रहे हैं। चलिए इसको बनाइए आप लोग, कैसे बनाइएगा? स्क्वायर पार्क वाटर, इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज 5 मीटर,
फाइंड द एरिया टू बी वाटर्ड। चलिए बनाइए। चलिए ठीक है। अरिफा का राइट है, अरिफा उषा राय राइट, उषा राय का सही है, अरिफा का राइट है। फिर नेक्स्ट ऋषिराज, वेरी गुड, ऋषिराज का भी राइट है, ऋषिराज का करेक्ट है। निशांत कुमार का भी करेक्ट। चलिए जिनका डायरेक्ट मैसेज होगा उन्हीं का पढ़ेंगे, सबका नहीं पढ़ पाएंगे, जो डायरेक्ट मैसेज करेंगे उन्हीं वही। देखिए सर साइड साइड जोया खान का भी, जोया खान रॉन्ग है, आप सिर्फ यूनिट लिखने में गलत किए हैं, सिर्फ सेंटीमीटर लिखे। हरप्रीत राज आंसर नहीं लिखे हो। फिर कुमारी आराधा अनु अनुष्का गलत है, कुमारी अनुष्का का रॉन्ग। अरिफा का तो राइट है। आर्यन कुमार कहाँ आंसर, आंसर नहीं लिखे हो। नहीं रॉन्ग है, प्रशांत राज का रॉन्ग है, प्रशांत राज राइट, अर्पित राज रॉन्ग, प्रत्युष राइट, ध्रुव रंजन राइट। ठीक है, प्रत्युष राज का फिर गलत है। देखिए अब जिसका यूनिट में भी गलत हो जाएगा उसको हम गलत बोलेंगे। ठीक है, आप लोग यूनिट सही नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मीटर में लिख दे रहे हैं, तो मीटर वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क है ना। हाँ हंसराज राइट, ठीक है, हंसराज का सही है। ठीक है, देखिए चैट पर आप लोग इजीली बना के सेंड कर सकते हैं। देखिए अनमोल राज का जो है गलत है, यूनिट लिखने में गलत लिखे हैं, और ऐसे भी गलत है आंसर, आंसर गलत है। तन्मय क्या क्या लिखे हो, ऋषभ राज कोई एक क्वेश्चन बनाना है अभी जो दिए हुए। ओंकार सिंह, हाँ ओंकार सिंह का रॉन्ग है, स्क्वायर मिलीमीटर आ गया तुम्हारा, कैसे यहाँ सेंटीमीटर ना, मीटर है ना, मीटर है। अर्पित राज ठीक है, राइट है। देखिए अर्पित राज का फिर हमने एवरी वन में मत कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए मेरे पास। प्रिया रानी का रॉन्ग, ओंकार सिंह का राइट। चलिए ठीक है, आप लोग का यहाँ देखिए ए स्क्वायर पार्क इज टू बी वाटर, समझिए आप सब लोग यहाँ, अब हम बना दे रहे हैं, स्क्वायर पार्क इज टू बी वाटर। इस पर हम पहले भी बोले थोड़ा एक बार फिगर जरूर बनाइएगा, और यहाँ मीटर है, इसको हम लोग को वाटर करना है, तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर स्क्वायर पार्क, तो इसका ऑल साइड सर इक्वल होगा, तो निश्चित है कि एरिया और स्क्वायर क्या होता है, बोलिए एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 मीटर इंटू 5 मीटर इक्वल टू 25 स्क्वायर मीटर।
ठीक है, तो हम लोग को एरिया निकल गया, एरिया और स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइड इनटू साइड, तो साइड इज 5 मीटर, तो 5 मीटर इनटू 5 मीटर इक्वल टू 25 स्क्वायर मीटर। देखिए आप लोग का गलत हम क्यों बोल रहे हैं, इनका 25 से भी कैंसिल दे रहे हैं, तो 25 क्या, 25 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या, ठीक है, यूनिट जरूर आप लोग यूनिट नहीं लिखिएगा तो फिर उसमें मास कट सकता है, ठीक है, तो 25 स्क्वायर मीटर होगा। बहुत लोग 25 ओंकार सिंह क्या लिखा, 25 स्क्वायर मिलीमीटर लिख दिया, तो मिलीमीटर कैसे होगा, मीटर है ना, मीटर है तो स्क्वायर मीटर होगा, सेंटीमीटर यदि होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। चलिए अभी एक क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट हम जो अभी तक नहीं किए हैं उनको अभी कर ले, नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, हम लोग वॉल्यूम में आ जाए, अब नेक्स्ट है वॉल्यूम, एरिया खत्म हो चुका है, एरिया करीबिया खत्म हो चुका, अब वॉल्यूम, ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम देखिए, अभी तक हम लोग पेरीमीटर पढ़ लिए, पेरीमीटर का रिवीजन हो गया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, द बेस्ट यूनिट ऑफ द टू मेजर द एरिया इज स्क्वायर, उसी तरह से बेस्ट यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम इज क्या होता है, क्यूब होता है, और इसमें वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बराबर क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटी, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर का हम शॉर्ट में क्यू सीएम लिखेंगे, ठीक है, हम लोग यूनिट ऑफ द वॉल्यूम क्या था, क्यूबिक सेंटीमीटर, जैसे एरिया में क्या था, स्क्वायर सेंटीमीटर, एस क्यू डॉट सेंटीमीटर लिखते थे, लेकिन वॉल्यूम में इसका यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सीयू सेंटीमीटर, सीयू क्यूबिक के लिए शॉर्ट में सीयू डॉट सेंटीमीटर के लिए सीएम, ओके। उसी तरह से यदि जो है लेंथ यदि मीटर में होगा तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा, यदि लेंथ मिलीमीटर में होगा तो क्यूबिक मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको यूनिट में आप लोग गलत मत कीजिएगा, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एल गुने बी गुने एच होता है, आप जानते हैं क्यूबॉइड का क्या एग्जाम्पल, क्यूबॉइड जैसे ब्रिक, ब्रिक मैच बॉक्स, ठीक है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है जो कि क्यूबॉइड शेप में होता है, क्यूब का क्या एग्जाम्पल है, क्यूब का लूडो डाइस, लूडो डाइस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब, अब बोर्ड नहीं दिख रहा है, अभी से दिख रहा था, अभी क्या हो गया बोर्ड, अभी हम लिखे भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखिए जैसे क्यूब इज द बेस्ट यूनिट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द एजुमल मीटर, फाइंड द वॉल्यूम, जैसे क्वेश्चन नंबर वन है कि फाइंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स हुज हुज एज एज जेस
हाँ फर्स्ट है 4 सेंटीमीटर और सेकंड है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? अभी तो हम क्यूबॉइड का सर बता दिए, अब क्यूब का पूछ लिए. वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? ए गुने बी गुने ए. तो क्यूब क्या होता है? क्यूब में ए ले ले, क्यूब में क्या होता है? ए मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है. ठीक है, तीनों सेम होता है, इसलिए आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है क्यूब वाइड क्यूब में. तो इसका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा? एल. एल दिया हुआ है मतलब 4 सेंटीमीटर. फर्स्ट का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका तो हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4 × 4 बराबर 64. यहाँ क्या हो जाएगा? सीयू डॉट सेंटीमीटर. बिकाउ लेंथ इन सेंटीमीटर तो वी राइट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सीयू डॉट सेंटीमीटर. सीयू डॉट सेंटीमीटर मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, इसको आप लोग हमेशा कंसीडर करोगे, यानी यूनिट नहीं छोड़ना है, यूनिट हमेशा लिखना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ सेंटीमीटर है सर और यूनिट क्यूबिक मीटर लिख दिए, यहाँ सेंटीमीटर है सर और यूनिट क्यूबिक मिलीमीटर लिख दिए, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, उसे हम मार्क्स काट देंगे. ठीक है, इस पर ध्यान दिया. चलिए अब होमवर्क लिख, टाइम आप लोग का ओवर पड़ा है, होमवर्क लिख लीजिए. यहाँ पर यहाँ लिख दे रहे होमवर्क, होमवर्क डू ऑल क्वेश्चन ठीक है, डू ऑल क्वेश्चन. अगर किसी को दिखाई नहीं देगा तो जो बोल रहे हैं आवाज मेरी आपके तक जा रही है उसको सुन करेंगे. डू ऑल क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम चैप्टर में वर्कशीट 3 के प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बना लेना है. चलिए हो गया, आप लोग जो भी होमवर्क मिल रहा है पर डे आप कॉपी में बनाइए और उसके बाद चैट बॉक्स में आप लिखते हैं तो फिर हमको चैट बॉक्स में हम देख लेते हैं कि आप लोग क्या सही बना रहे हैं. जहां हो सके, जहां करेक्ट करने की बात होती है, जैसे जहां जहां आप लोग गलती करते हो, जैसे यूनिट लिखने में गलती करते हो, तो वहां हम और जो जो मेन क्वेश्चन है बोर्ड पर हम दिखा दे रहे हैं और बाकी क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन वो आप बना सकते हैं अपने से. कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बाद में आप लोग पूछ भी सकते हो.